तो आई गॉट सेलेक्टेड इन बूट कैंप एट एम आई टी आई टी ओके तो मैं एम आई टी गया आई एव स्पेंड्यू वीक्स वॉज ऑन ऑनटरप्रीनरशिप इन स्टार्टअप्स जब वापसी आया तो आई सो एम्बिश के जो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैंने पिच किया था एट वन एंड वहाँ पे पच्चीस मुल्क से बच्चे आए लोग आए हुए थे ओके तीस चालीस टीम्स थी जिन्होंने अपनी पिछे करी थी स्टार्टअप की बिजनेस की मैं ये जीती थी ठीक है मैं सर्कुलर इकानमी पे काम कर रहा था कि क्या था एग्जैक्टली ये थोड़ा बताइए इसके तो बारे में इट वाज के पाकिस्तान तो आई फोकस्ड ऑन पाकिस्तान मेरे okay. जो पार्टनर्स थे उसमें सारे जापानी थे एक चाइनीज था दो जापानी थे तो हम सब ने मिलकर मैंने उनको बहुत कोशिश कर मैंने कहा यार देखो तुम्हारा मुल्क भी पाकिस्तान में काम कर रहा है डू दिस बट इट वाज पाकिस्तान पचास हज़ार गाँव है सही एंड राइट बिफोर द बूट कैंप एक्चुअली ईद थी और मुझे याद है हम लोग गए थे एक छोटे से गांव हमारे घर में जो काम करते हैं लोग उनके गाँव गए थे सही तो वहाँ पे पहली बार मैं कभी चारपाई पे बाहर सोया और पीछे भैंसें थी <laughs> अच्छा भैंस की बदबू आ रही है कि वहाँ पे लोगों को बीमारियाँ हमें दिख रही हैं हमारी भी तबीयत उसकी बात ख़राब हुई नॉट um, के हम लोग इतने रेजिडेंट नहीं है कराची में रहकर बंदा अच्छा खासा होता था बट दैट वॉज ऑन एन एक्सट्रीम लेवल एंड वेन वी गॉट टू नो मोर एंड मोर अबाउट इट इट गॉट इवन वर्स क्योंकि हर हमारे यहाँ एक बंदे पे एक गाय है या एक भैंस है hmm. गाँव में ही टिपिकली बिल्कुल तो अब वो घर के अंदर भी हैं वहीं पर उसकी गोबर भी पड़ी हुई है तीन चार दिन तक वो बीमारियाँ आ रही हैं वहाँ पर पता नहीं कौन कौन से उसने मुझे कैंसर हो जाते हैं ये कैंसर वो कैंसर गिनवा रहे थे वो लोग और बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ हर हर महीने या हर छः महीने में कोई ना कोई आ रहा होता कि हुँ. जी मुझे ये हमारे घर में ये हो गया उसको बीमारी के लिए इलाज सही एंड सोर्सेज आर इन द ओन हाउसेज बिल्कुल तो खैर उस सब को रखते हुए सामने एंड आई वी वर अगेन माई डैड वॉज लुकिंग फॉर आई लाइक लुकिंग एट लुकिंग एट दम विद हिम सो बायोगस के बारे में पहली बार पता चला तो वहाँ पे पिछ ये किया कि जी पाकिस्तान पचास हज़ार गाँव है विल मेक अ क्लस्टर ऑफ टेन विलेज बिकॉज ऑन एवरेज एवरी गाँव हैज़ थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड पीपल बिल्कुल तो ऑन हर क्लस्टर में हम लोग एक बायो प्लांट लगाएंगे ठीक है जो ये इन्वेस्टर है यूरोप में जो इन्वेस्ट कर रहा है इन ऑलरेडी और वो इंटरेस्टेड है हमने उससे बात भी करी थी ये कंपनी है जो इतने का बायोगैस प्लांट लगाती है इतनी हमें भैंसें चाहिए इतना हमारे पास एक्सेस भैंसें हैं ऑलरेडी ठीक है गोबर guy अभी तो गोबर ज़ाया हो रही है या ओपले बन रहे हैं और वो जला रहे हैं एक रुपये पर ओपला है मतलब वन के जी एक रुपये का है हम कह रहे हैं आप हमें सारा दे दो क्योंकि एक गाय दिन में पंद्रह किलो बनाती है और गोबर देती है आप हमें सारी गोबर दो हम आपको इन एक्सचेंज या तो बिजली फ्री देंगे या गैस फ्री देंगे सही वेरी नाइस गैस बनती है और गैस से हम बिजली बना सकते हैं एंड दैन यूनिट्स उसमें मैच कर रहे थे कि इतने वॉल्स बनता है उतने इसके इस्तेमाल है इतना इतना का बाइक प्रोडक्ट ये था कि हम लोग जो स्लरी निकल रही थी डेट वॉज रिप्लेसमेंट फॉर अ यूरिया की गोबर सॉरी फर्टिलाइजर तो हम कह रहे थे हम उसको टैंक्स में डाल के या हम उसको ट्रैक्टर्स में डाल के या चैनल बना के हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बेचेंगे और वन फोर्थ ऑफ द कास्ट ऑफ यूरिया एंड एंड सेल्क सही है अभी भी होती है यूज होती है बड़ी कॉमनली बहुत ज़्यादा होती है मगर जब वो मेथेन के साथ डाल देते हैं तो पौधों को थोड़ा सा नुकसान देती हैं